नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं हूँ आपका भाई आपका दोस्त संतोष। स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन फार्मर में। तो किसान भाइयों, आज की कुछ बात ऐसी है, हम लोग जो आए आज जो है सहजन की खेती में आए, प्लॉट पे आए, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा प्लॉट है। मैंने अभी इसको पूरा घूम के देखा, इसके बारे में जानकारी भी ली, मेरे पास जानकारी थी और मैंने जानकारी इसके बारे में पूरी इकट्ठा की है। ये देख सकते हैं, इसको इंग्लिश में जो है ड्रमस्टिक कहते हैं, या तमिल में कुछ मुरंगई ऐसे कुछ कहते हैं। किसान भाइयों, आपके यहाँ क्या कहते हैं इसके बारे में मुझे जरूर बताइए। लेकिन एक चीज़ है, इसका इंग्लिश में बहुत इंटरेस्टिंग नाम है। इसका नाम जो है ड्रमस्टिक, जैसे वो ड्रमर होता है उसके ऊपर वो स्टिक बजाते, वो बजाने वाली होती है, लेकिन ये जो है खाने वाली होती है। खाने में भी बहुत टेस्टी है किसान भाइयों। तो आज जो हम आए हैं इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। सीजन की वैरायटी हुई, इसका कहाँ पे लगा सकते हैं, कौन सीजन में लगा सकते हैं, ये कब तक इसका हार्वेस्टिंग होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा मैं आज आपको। तो ये वीडियो जो पूरा किसान भाइयों एंड तक देखिए। तो शुरू करते हैं अब किसान भाइयों। सीजन एक ऐसी फसल है किसान भाइयों, इसको जो है काफ़ी दो तीन टाइप की इसमें जो है पौधे आते हैं। ये देख सकते हैं, अभी ये जो है उड़ीसा वैरायटी है। ये वैरायटी आप लगाने के बाद जो है 6 महीने बाद तुरंत इसमें जो है फसल चालू हो जाती है, हार्वेस्टिंग जो है अपने सीजन का जो हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है। तो पहले मैं सबसे पहले इसमें वैरायटी की बात करूंगा, उसके बाद हवामान, जमीन के बाकी सारी चीज़ों की जो है बात करूंगा। वैरायटी की बात करना बहुत जरूरी है, इसकी हिस्ट्री भी बहुत अच्छी है। देखिए, हमारे भारत में इसको जो है पहले कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल यहाँ पर इसको ज़्यादा किया जाता था, उसके बाद ये धीरे 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 ये जो है बढ़ने लगा। तो इसकी एक वैरायटी भी है कोकन रुचेरा कह के आती थी, वो जब लगाते हैं उसके बाद ये 3 साल बाद फसल देना स्टार्ट करते हैं। तो वो वैरायटी जो है क्या है, कमर्शियल नहीं हो पाई, वैसे ही लोग खाने के लिए बांध पे लगा दिए, ताल पे लगा दिए, वो बड़ी हो जाती थी, उसके निकाल के उसमें से खाते थे, कमर्शियल नहीं हो पाई। उसके बाद काफ़ी वैरायटी आई, PKM 1, 2, 3 आई, GKVK आई, काफ़ी वैरायटी, लेकिन कमर्शियल नहीं हो पाई। लेकिन जो एक्सपोर्ट क्वालिटी की वैरायटी होनी चाहिए, जैसे यूरोप कंट्री में, गल्फ कंट्री में हमारा एक्सपोर्ट अभी बढ़ गया है, काफ़ी सारा टर्नओवर बढ़ गया है, सालाना काफ़ी बड़ा टर्नओवर बढ़ गया। तो एक्सपोर्ट क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? सीजन जो है, देखिए ये पुरानी वैरायटी जो कोकन रुचेरा जैसी वैरायटी है, यह क्या होती है, लगभग 1 मीटर लंबी होती है, 3-3 फीट लंबी होती है। तो इतनी लंबी वैरायटी नहीं चलती ना, लोग 1-1.5 फीट जितना झोला में घुस चुके उतना ही लेते, उतना ही खाना लोग पसंद करते हैं। डार्क ग्रीन होनी चाहिए एक्सपोर्ट वैरायटी के लिए, उसके बाद लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, उसके बाद पूरी भरी हुई रहनी चाहिए। तो ऐसे हाई क्वालिटी अच्छी क्वालिटी का दिखने में अट्रैक्टिव होनी चाहिए, तभी वो एक्सपोर्ट करने में वहाँ पे लोग पसंद करते हैं, वहाँ पे मांगते हैं लोग, ज़्यादा पसंद करते हैं। 2004-5 से 6 से लेके हमारे इंडिया से जो है सीजन जो है बाहर बहुत जा रहा है। इस टाइम पे इसकी इतनी अच्छी ये बिजनेस ये एक बिजनेस की तरह हो गया है सीजन, इतना अच्छा इसका एक्सपोर्ट हो रहा है, इतना लोग अच्छा यहाँ पे हमारे यहाँ पे पैसा कमा रहे। हमारे दोस्त हैं अनिल भाई, लगभग 3-4 साल से सीजन कर रहे हैं, हर साल नई नई वैरायटी का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अभी इन्होंने जो उड़ीसा वैरायटी देख सकते हैं, अभी ये बाहर में है, तो इन्होंने ये बाहर में है, अभी 1.5 महीने बाद इसका हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगा। अगर आपको हार्वेस्टिंग का भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको हार्वेस्टिंग का वीडियो, तो मैं जरूर कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की इसकी। तो देखिए, सब मैंने वैरायटी की अभी बात कर ली है, एक्सपोर्ट क्वालिटी की बात की है, तो अब ये सीजन में कौन से ये आता है, कौन से सीजन में इसको लगाना चाहिए। देखिए, अब हमारे भारत में जो है ठंडी जहाँ जगह है, जैसे पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, ठंडी के जगह पर यह आता नहीं सही है, इसको फसल उगाने में दिक्कतें करता है। तो इसको जो है गर्मी पसंद है, गर्मी में लगाएंगे, या तो गर्म ठीक जहाँ जगह जहाँ हो गर्म जगह वहाँ पे लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारे यहाँ टेम्परेचर लगभग 22-23 से लेकर 35-36-40 तक रहता है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका प्लांटेशन जो है जुलाई में से आगे करेंगे तो अच्छा रहता है, बरसात के बाद। ये यहाँ पर इनका प्लांटेशन देख सकते हैं, ये उड़ीसा वैरायटी का प्लांटेशन है। यहाँ इनका 9x4 पे इन्होंने किया है, 1 एकड़ में इन्होंने जो है किया, ये देख सकते हैं पूरा इनका ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम इन्होंने फिट किया है, ये देख सकते हैं आप। लगभग ये आप देखिए किसान भाइयों, प्लांटेशन की बात क्या है, आप इसमें नर्सरी में पौधा बना के भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट बीज भी लगा सकते हैं, दोनों इसमें आप जो है काम कर सकते हैं। आपको अगर बीज लगाना है बीज लगा सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, या तो पहले पन्नी में आप नर्सरी बना लीजिए उसके बाद लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब वैरायटी देखिए, काफ़ी सारी वैरायटी है, आपके एरिया अनुसार आपके कृषि अधिकारी के पास जाके, आपके तहसील एरिया में जाके, या आपके यहाँ कोई करता हो उनसे बातचीत करके, तभी आप डिस्कस करके तभी वैरायटी चूज़ कीजिए। अभी तो ये उड़ीसा है, मैंने जैसे कि आपको बताया, इन्होंने क्या किया है 5x9 पे लगाई है, 1 एकड़ में लगभग 1100-1200 पौधे जो है ये इनके जो है सीजन के हैं। यहाँ पे जो है इन्होंने बहुत ही अच्छा, देख सकते हैं यहाँ पे ये ड्रिप लाइन जो है
ये देख सकते हैं डबल ड्रिप लाइन, ये पेप्सी ड्रिप लाइन जो बिछाई है कि इस साइड से एक उस साइड से, क्योंकि ये पौधा जो है बड़ा होता है इसलिए जो है दोनों साइड से जो है इन्होंने जो है ड्रिप लाइन बिछाई है। ये देख सकते हैं आप जैसे कि पूरा जो बेड़ अच्छी तरीके से इन्होंने जो है ऊपर से जो है भर दिया है पूरा लगाने के बाद। अभी ये एक फसल इसकी हो चुकी है, दूसरा साल है इसका, इन्होंने साइड्स कटिंग किया है इसका, किया हुआ है। अब सबसे किसान भाई इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आप लोग जो है सहजन मतलब जब बीज लगाते हैं, ठीक, बीज लगा दिया उसके बाद क्या है, कुछ वैरायटी होती है 3-4 साल बाद फसल देना स्टार्ट करती है, कुछ 5 साल बाद स्टार्ट करती है, लेकिन अभी जो नई नई में डेवलप हुई है वैरायटी जो है वो आप बीज लगा देंगे, पौधा लगा देंगे, तुरंत जो है 6 महीने बाद फसल चालू हो जाती है। फसल चालू होने के पहले क्या करना पड़ता है, लगभग 3-4 महीने पे जब पौधा इतना बड़ा हो जाता है 4 फीट का 5 फीट का जब हो जाता है तो 2-3 फीट पे उसको जो है ऊपर से कट करना पड़ता है, पूरा ऊपर से जब कट कर देंगे तो साइड शूट्स निकलते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जब साइड शूट्स ऐसे निकलेंगे ना तभी फसल में अच्छी मतलब प्रोडक्शन अच्छी निकलती है, यील्ड अच्छी निकलती है और पौधा बड़ा भी नहीं जाएगा। और पौधा जैसे कि जितना बड़ा जाएगा तो दिक्कतें काफ़ी आती है, मतलब उसमें से फसल मतलब हार्वेस्टिंग करने में ऊपर में दिक्कत होती है। जैसे ये छोटा छोटा पौधा देख सकते हैं ना, ये देखिए अब ये छोटा, ये हाथ से तोड़ सकते हैं, अब ज़्यादा ऊपर गया तो दिक्कत है, हार्वेस्टिंग में दिक्कत है, स्प्रेइंग में दिक्कत है, हर चीज़ में दिक्कत है। अब इन्होंने क्या किया है, स्प्रेइंग के लिए देख सकते हैं बीच से 9 फीट की जगह बहुत है, इन्होंने ब्लोअर ही चला देते हैं ये लोग, जैसे कि सीधा ब्लोअर चला देते हैं, ट्रैक्टर वाला जो ब्लोअर है वो ब्लोअर जो है सीधा इसमें से चला देते हैं तो आसानी से जो है स्प्रेइंग हो जाता है। अब इसके अगर लगाने के बाद जो है इसको लगाते कैसे हैं, देखिए किसान भाइयों इसमें जो है लगाते समय 2x2 का गड्ढा लेना पड़ता है, 2x2 का जो है गड्ढा लेने के बाद जो है उसमें जो है आप गोबर का खाद हुआ, उसके बाद सिंगल सुपर फास्फेट हुआ और उसके बाद नीम केक हुआ, मतलब नीम का जो है खाद होता है वो डाल के गड्ढे में जो है गड्ढा पूरा भर देना है, थोड़ी सी मिट्टी उसमें मिक्स कर देनी है, उसके बाद चाहे आप बीज लगाइए चाहे इसका नर्सरी मंगा के कहीं से सीधा पौधा लगा दीजिए। लगाने के बाद कुछ नहीं, ये देखिए नेचुरली बढ़ता है, इसमें ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कम खर्चा में अच्छा प्रॉफिट देने वाली फसल है ये जो है। इसका रेट लगभग 70-80 रुपये एक्सपोर्ट, 80-100 रुपये तक किलो जाता है ये, और अपने लोकल में 25-30 रुपये किलो के हिसाब से ये बिकता है। अब मंडी में चाहे जैसे पीस के हिसाब से बिके, लेकिन किसान भाई से हमारे यहाँ से तो इनका जो है पिछले साल जो है 30-35 रुपये के एवरेज के हिसाब से जो बिका था, इनका मार्केट जो है यहीं पे आते हैं लोग, यहीं से लेके जाते हैं। तो देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैंने जैसे कि बताया आपको, पौधा जब 5-6 महीने का हो जाता है तो ऊपर से कटिंग करना बहुत ज़रूरी है, उसका मेंटेन करना, उसका गोलाई पौधा बनाना बहुत ज़रूरी है। इनका दूसरा साल है तभी भी ये देख सकते हैं बहुत अच्छा गोलाई है, अभी ये फूल में है पौधा, ये देख सकते हैं ये। किसान भाइयों सीजन में अगर फर्टिगेशन की बात करें तो इसमें फर्टिगेशन कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता है क्योंकि नेचुरली बहुत ही अच्छा बढ़ता है, इसको अगर टेम्परेचर अच्छा हो, हवामान अच्छा हो तो बहुत अच्छा बढ़ता है ये। हम लोगों ने जो है बेसल डोज में डाला ही रहता है, जब हम लोग स्टार्ट में जब ये फसल लगाते हैं, जब ये बीज लगाते हैं या नर्सरी लगाते हैं तो 2x2 का हम लोगों ने खड्डा लिया ही रहता है, उस खड्डे में हम लोगों ने जो है कंपोस्ट खाद हुआ जैसे कि मैंने अभी बताया, जो जो चीज़ डाली है मैंने बता दी है तो हम लोगों ने डाली रहती है। उसके बाद जब फसल जो है फूल लगने लगता है उस टाइम पे जो बोरान हुआ, कैल्शियम नाइट्रेट हुआ, एनपीके की मात्रा हुआ, थोड़ा ड्रिप से दीजिए तो अच्छा रहेगा, फसल जो है अच्छी आपको यील्ड देगी, एक्सपोर्ट क्वालिटी आपकी अच्छी आएगी, व्यापारी जो है माल जो है आपका अच्छे से लेकर आएगा, अच्छा रेट देगा, तो ये जरूरी है। इसमें जब अगर इसके बाद जो है कीट नियंत्रण इसमें कीट कुछ ज़्यादा लगती नहीं है, इसमें केवल आपका पत्ती खाने वाली सुंडी लगती है, उसके बाद जो है थ्रिप्स लगता है, उसके बाद मकड़ी लगती है, तो इसके लिए आप लोग नॉर्मल दवाई छिड़क सकते हैं, कम खर्चे वाली रोगर हुआ, नुआन हुआ, इस तरीके की दवाई छिड़क के आप जो है कंट्रोल उसमें आसानी से कर सकते हैं। इसमें स्प्रे के लिए इन्होंने ये ब्लोअर चलाते हैं, आप भाड़े से भी चला सकते हैं, खुद का मत रखिए ब्लोअर, कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, भाड़े पे 400-500 रुपये एक एकड़ ब्लोअर 1 घंटे में मार के चला जाएगा, या छोटा एसटीपी रखिए, पोर्टेबल पावर स्प्रे रखिए, उससे आप स्प्रे करके जो है कीट नियंत्रण कर सकते हैं। उसी हिसाब से जो है खरपतवार नियंत्रण भी करने के लिए वही मतलब जुगाड़ आप कर सकते हैं। क्या है कि देखिए कोई ये फसल उड़ीसा इन्होंने 9x4 पे लगाई है, कोई 10x6 पे लगाता है, कोई 12x6 पे लगाता है, तो बीच में जगह मिलनी है, 10x9x मतलब ट्रैक्टर उसमें से चलना है। आप वीडर चला सकते हैं बीच से, या तो रोटर चला सकते हैं, इन्होंने अभी नहीं चलाया लेकिन चलाने के स्टेज पे आ गया ये लोग, लगभग महीना 15 दिन पे जब ये छोटी छोटी खरपतवार हो जाती है तो चला देते हैं बीच से, अभी ट्रैक्टर इसमें से चला है जैसे कि आप देख सकते हैं। और रही बात बीच की, बीच में क्या है ड्रिप है, वहाँ पे आप लेबर लगवा के निकाल सकते हो, वहाँ पे कोई तो साधन चला नहीं सकते, वहाँ पे बीच में जो है
तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आप जो है मतलब डीपी लेबर लगा के वहाँ पे निकलवा सकते हैं। तो अब उसके बाद क्या है, अब मैं थोड़ा सा पुर्नी के बारे में टिप्स देना चाहूँगा। सबसे अहम बात है सहजन की खेती में, जब आपने फसल लगा दी है, ठीक, हम लोगों ने ये समझ लिया बीज इसमें लगा दिया 2x2 खड्डा का, उसके बाद 4 महीने बाद यहाँ तक 3-4 फीट तक ये फसल आती है, आती यहाँ तक, यहाँ पे देखिए यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से सेंटर कट मारना पड़ता है, यहाँ पे मारा गया, उसके बाद ये 2 ब्रांच निकले हैं। तो ये प्रूनिंग करना, कट करना बहुत जरूरी है। यहाँ से जब आप कट करेंगे तो साइड शूट निकलते हैं, ये निकला हुआ, ये पुराना, ये देख सकते हैं इनकी दूसरी फसल है, पहले फसल से बीच में कट किया, ये साइड शूट निकला, उसके बाद उन्होंने ये कट किया है, उसके बाद ये नीचे से निकला, मतलब इसको जो है ऊपर नहीं जाने देना है। हार्वेस्टिंग में दिक्कत होती है, हर चीज़ में दिक्कत होती है, स्प्रे में दिक्कत होती है, यहीं पे प्रूनिंग करके इसको मेंटेन करना है। अब इस साल क्या करना है, यहाँ की फसल निकल गई, इसको कट कर देना, इसको कट कर देना, इसको कट करना है, फिर साइड शूट निकलेंगे। आप कटिंग करके मेंटेन रखेंगे साइड शूट, जैसे अंगूर के बगिया में होता है, कटिंग करते हैं साइड शूट निकलता है, नए नए उस पर फल लगता है। अंगूर के बारे में हम लोग आगे चल के बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही टिप्स मेरी इसमें है कि इसका कटिंग जो है अच्छे से आप सीखें, समझें, चर्चा करें, डिस्कस करें, उसी हिसाब से जो है इसका कटिंग ले। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा इसके प्रोडक्शन के बारे में, यील्ड के बारे में। तो यील्ड की बात का अगर करें तो इसमें इनके जो है ये जो यहाँ पे 1100-1200 पेड़ है, 2 साल से इनकी फसल निकल रही है। इनका कहना है कि 7 टन से लेकर 15 टन तक माल एवरेज इसमें जो है निकलता है, कम से कम 7 टन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 टन। इनका कहना है कि एक्सपोर्ट में जब माल जाता है तो रेट अच्छा मिलता है, 70-80 रुपये, 100 रुपये भी कभी कभी मिलता है, और लोकल मार्केट में 30-40 रुपये इस हिसाब से रेट मिलता है। तो आपके भी एरिया में क्या चल रहा है मुझे भी बताइए, हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ से माल वहाँ भेजने में। कुछ एरिया में होता ही नहीं है, कुछ एरिया में होता है ज़्यादा, हमारे में बहुत ज़्यादा होता है। तो ओवरऑल बात करें तो दोस्तों इसमें जो ये फसल बहुत ही अच्छी है, कम खर्चेलू, कम बजट में, लो बजट में लगा के छोड़ देंगे, बस पानी छोड़ देंगे, कम पानी में, एसिडिक ज़मीन नहीं होनी चाहिए, बाकी छोड़ के कोई भी ज़मीन हो ये आ जाएगी। यह ज़मीन देख सकते हैं आप, लाल मिट्टी की कंकड़ीली ज़मीन है, ये देख सकते हैं इन्होंने अभी पानी छोड़ा, एकदम मुलायम ज़मीन, ये देख सकते हैं कंकड़ीली ज़मीन है पूरी, ये देख सकते हैं। तो कोई भी मिट्टी हो कोई दिक्कत नहीं, काली हो चाहे जो हो, बस एसिडिक ना हो, सुटेबल हो, एसिडिक ना हो, बस कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे साइज आप मैंने बताया हर चीज़ कैसे मेंटेन करनी है। तो इसके आप इसको जो है बेशक आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छा है, एक कमर्शियल इससे जो है पैसा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप जो आपको जो ये वीडियो जो है कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइए, और इंडियन फार्मर को एक लाइक प्लीज़ कर ही दीजिए, और ये वीडियो जो है शेयर कर दीजिए। अगर हमारे चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।